जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। चालाकी, चतुराई और छल कपट के मिश्रण को ही आज के जमाने में होशियारी कहा जाता है। माना कि रिश्तों का मर जाना बुरा है, पर उससे भी बुरा है झूठे रिश्तों को जिंदा रखना। सच्चे रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो उस रिश्ते को वहीं छोड़ दीजिए। हम रिश्ता सबसे रखते हैं, लेकिन अब उम्मीद किसी से नहीं रखते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बगैर रहा ही नहीं जाता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर पूछते हैं लोग बिछड़ने की वजह, मैं अपनी कमी बताकर तेरी इज्जत बचा लेता हूँ। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, बस मेरी यही एक तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वो कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। कभी कभी कुछ फासले फासले नहीं होते, कुछ नजदीकियां नजदीकियां नहीं होती। कोई दूर बैठ के आपकी सिसकी सुन लेता है और कोई हाथ पकड़ कर बैठा हो तो उसे आपके दर्द की खबर तक नहीं होती। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से आपको लूटती है। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह से हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। इंसान तो उसी वक्त मर जाता है जब वो अपने सबसे नजदीकी इंसान से धोखा खाता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। वक्त बुरा जरूर चल रहा है, पर लोगों की हैसियत भी दिखा रहा है। अगर सीता सोने का हिरण चाहेगी तो राम से बिछड़ना बिल्कुल तय है। इश्क चख लिया था इत्तफाक से, जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेंगे। बात जब आपकी इज्जत की आ जाए ना, तो चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। लोग कभी धोखा नहीं खाते, यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल को तलाश करते। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। पता हो कि शायद ये मुलाकात अंतिम है तो कितना भी मिल लो कम ही लगता है। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे समझो, मैं बस परेशान हूं। उस बददुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, पर उस बददुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। घर वाले भी मान जाते हैं कोशिशें अगर आखिरी दम तक हो। हालात किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। आप सिर्फ जीतने की जिद रखो, हार से तो सामना होता ही रहता है। आपकी आदतें ही धीरे धीरे आपका चरित्र बन जाती हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता, वो आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई
एक दूसरे से ही परेशान है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई आपका अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कि कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत पड़ा है और यही आपका वहम सबसे बड़ा है। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताओ कि आज हमारे घर के तार पे ही बैठा था। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। आवाज तक नहीं हुई और सब कुछ टूट कर बिखर गया। जज्बातों में ढल के यूं दिल में उतर गया, बन के मेरी वो आदत अब खुद बदल गया। कहीं दुआ का एक लफ्ज असर कर जाता है और कहीं बरसों की इबादत भी हार जाती है। हैरान हूं बदलती दुनिया का रवाज देखकर, अब लोग इज्जत भी देते हैं तो लिबास देखकर। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में ही ये लकीर होती है। सिर्फ मोहब्बत को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, वरना धोखे तो सात फेरों के बाद भी होते हैं। इश्क तो मेरा बेशकीमती था मगर लोग बाजारू निकले। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। कहां मिलेगा तुम्हें मेरे जैसा शख्स जो दूर रहकर भी तुम्हारी इतनी परवाह करता हो। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वो जरूर कीजिए। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मुश्किल वक्त बीत रहा है, बस ये याद रखना कि आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का नहीं होता, इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ के जाते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जब जिंदगी में धोखा अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ, क्योंकि अगर उन्हें चबाते रहोगे याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मिलके बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा, पर हर किसी की औकात नहीं वहां रहने की। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी, आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगें, तब समझना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी होती है, खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं खामोश रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में
ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे? गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। खता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना पीसना और निचोड़ा जाना अंतिम बूंद तक, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। इसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है
गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो, ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं
और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, अगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए
जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके, सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही